नमस्ते बच्चों, आज सेकंड क्लास का इंग्लिश लेंगे और इंग्लिश में लेसन 7 बिट्स ऑफ पेपर। ये वर्ड्स मीनिंग यानी शब्दार्थ। बिट्स यानी टुकड़ा, फिर PAPER पेपर यानी कागज, पेपर मीन्स कागज। फिर लाइन LING लाइन यानी पड़े हुए। फ्लोर FLOOR फ्लोर यानी फर्श। मैक MAKE मैक यानी बनाना। अब ये पोयम को अपन गाएंगे, है ना? आप सभी अपने इंग्लिश की बुक खोलेंगे और पेज नंबर 82 पयासी निकालेंगे, उसमें लिखे हुए ये पोयम। आप सभी मेरे पीछे गाएंगे, है ना? बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर, मेक द प्लेस एंटाइडी, मेक द प्लेस एंटाइडी, पिक देम अप। हो गई पोयम? अब इसको एक बार हिंदी में गाएंगे, ठीक है? कागज के टुकड़े जमीन पर है, कितना गंदा लगता है, उठा लो। यह पोयम आपको याद करना है और गाने की प्रैक्टिस भी करना है ना। अब इसके बाद इधर देखिए सभी, पेज नंबर 83 फिर यहां से इसमें देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। नमस्ते सर, कोई बड़ा रहता है सर, टीचर, सिस्टर, फादर, तो अपन क्या बोलते हैं? नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, बोलते हैं। तो आप सभी को विश करना है, बोलना है, उनका आदर करना है और फिर कोई भी कुछ चीज देते हैं। ये चित्र में देखिए, थैंक यू माला लिखा हुआ है ना, थैंक यू मोना, ये कुछ दे रहे हैं तो थैंक यू मोना बोला। तो आपको कोई भी कुछ भी चीज दे तो अपन को क्या बोलना है? थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे बोलना है ना। फिर इधर लिखा है प्लीज यानी कृपया, कुछ मांगना है, अपने को कुछ जरूरत पड़ जाती है तो अपन मांगते हैं, तो प्लीज कृपया मुझे पेंसिल दीजिए, कृपया मुझे पेन दीजिए, ऐसा अपने को प्लीज का शब्द वर्ड का उपयोग करना है। फिर लिखा है इधर आई एम सॉरी मोंटू, ये इसको कुछ लग गया है या इसने मार दिया है। और आप लोग भी अपने छोटे वाले भाई बहनों को कुछ मारते हैं या कुछ बोलते हैं, गलती से कुछ बोल दिया है तो उसको क्या बोलना है? सॉरी, आई एम सॉरी, क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये कविता आपको याद करना है और लिखना है और ये मीनिंग्स ये पीछे दिए हुए हैं, इसको आपको आपके नोटबुक में लिखना है और याद करना है।
थैंक यू।